महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टियों में गठबंधन के लिए बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। इसी के तहत कांग्रेस और एनसीपी में गठजोड़ को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने बताया कि कांग्रेस और एनसीपी में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। अशोक चौहान ने बताया कि हमने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के साथ अच्छी चर्चा की है। 70% सीटों पर आपसी सहमति भी बन गई है, बाकियों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बता दें कि एनसीपी चाहती है कि राज्य में 144 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े, बाकी 144 सीटों पर कांग्रेस और बाकी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आए ताकि सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री का पद उनकी पार्टी के हिस्से में आए। 2014 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन 2009 के फॉर्मूले को देखें तो कांग्रेस ने 169 और एनसीपी ने 119 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उधर बीजेपी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाई शुरू कर दी है। सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि RPI के नेता रामदास अठावले ने वीरवार को कहा है कि बीजेपी और शिवसेना ने सहयोगी दलों को 18 सीटें देने का फैसला लिया है, जिसको वो मानने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।